आज नहीं करो, तुम्हारी मर्जी है। चलो जी ना जी, सब बताएं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से इस्लामाबाद में बड़ी बैठकें हो रही हैं। इस हवाले से अंदरून खाना क्या पेशरफ्त हैं, क्या होने जा रहा है और आप खामोश क्यों हैं? अंदरून खाना क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकूँगा, चूँकि मैं तो अंदरून खाना तो नहीं हूँ, लेकिन बैरूनी तौर पर आप जो महसूस करते हैं वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये कोई आज से तो नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है, कोशिश हो रही है। और इस सिलसिले में मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का जो तहरीक, ये तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कौमी तहरीक थी 70s से, जब मरहूम जौहर अली खान साहब जिंदा थे और तंजीम मिल्लत को पीपल्स पार्टी में जम कर दिया था, तो उस वक्त से यह सूबा जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का आखिरी और कतई और खुशहाल मंजिल समझा जाता था और वो समझा जाता रहा है। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मस्जिदों से लेकर इमाम बारगाहों से, जमात खानों से लेकर, खेल के मैदानों से लेकर, हर जगह पर सारे लोग सूबे की ही बात कर रहे हैं, या अपनी बल्कि ईमान का हिस्सा बना लिया लोगों ने। तो जिसका रिज़ल्ट ये हुआ जनाब आली कि हुकूमत पाकिस्तान, या तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त ही कोई चीज़ इस तरह इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की लॉन्ग रन में जो है इसको हथियाने के लिए, या फिर ये है कि अब वक्त वो आ गया कि जनाब पूरा कश्मीर तो नहीं मिल सका तो अब कहीं ना कहीं गुजारा करना है तो इसी को ही हजम किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर शऊर बेदार हुआ, नई नस्ल आ गई, नेशनलिस्टों ने काम किया, अच्छा तनाज़े कश्मीर को लोग समझने लगे, इंटरनेशनल कवानीन को लोग समझने लगे, यूनाइटेड नेशन की करारदादे लोग समझने लगे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के जो है वो माहदे लोग समझने लगे। तो फिर लोगों ने कहा जनाब आली कि सूबा तो हमारा कोई मतमई नज़र तो नहीं हो सकता, ये कोई हमारी कौमी मंजिल तो नहीं हो सकता। और दुनिया भर में तहरीकें जो है इलाहदगी की होती है और गिलगित बल्तिस्तान वाहिद इलाका की जिसके अंदर वो अलहाक की तहरीक चलती है। और इसमें अगर मैं अपनी तारीफ आप अपना मुँह मियाँ मिठू अगर आप न समझे तो इसमें मैंने खुद ज़ाती तौर पर एक किरदार अदा किया 80s के बाद जो है 90s में, और फिर यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात को समझ चुकी है। अब आगे जनाब आली हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़रूरत और अपने हालात के तहत इसको एक अबूरी सूबा बनाने की तरफ जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ जा रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ी तादाद इसको रिजिस्ट कर रही है। हम खुद इसको नहीं मान रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा खामोश क्यों है, खामोश हम नहीं है, लेकिन अगर हम उन तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त फेसबुक पर या मीडिया पर या दूसरे हवालों से रिजिस्ट कर रहे हैं उनको हम रोड पर लाए और हम कोशिश करें तो बल्तिस्तान से लेकर हुंजा नगर गज़र से दियामर तक इस कौम की जो है 80% आबादी फिर आएगी बाज़ार में कि हुकूमत पाकिस्तान ये सारी चीज़ें दे रही थी और इन लोगों की वजह से ये रुक रहा है। जैसे कश्मीरियों के बारे में नहीं कहते हैं जनाब कश्मीरी रिकावट है कहकर, तो हम वो रिकावट अब नहीं डालते, अब आप सूबा बना दें, हम तो इसके ख़िलाफ़ है, हम तो इसको रिजिस्ट करेंगे और उसका फ़ायदा भी और उसका क्रेडिट भी ये ले ले ये जमाते जो मजहबी जमाते हैं, जो पाकिस्तान की जमाते हैं, और कल कला को इस सूबे की वजह से खुदा का गज़ब इस इलाके के ऊपर आएगा तो उसकी तैयारी भी ये लोग करें, और फिर उस वक्त बताया जाएगा कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब हम खामखा में कौम के साथ एक कन्फेंट्रेशन इन दिनों में किस तरह ले लें, ये कहते हैं कि सूबे की वजह से बेनिफिशरी बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर ये बेनिफिशरी बन सकते हैं तो आने वाले 2-4 सालों में पता चल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट होती है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं, अबूरी सूबा बनाने से कोई कयामत भी नहीं टूटेगी, हुकूमत पाकिस्तान जो है 73 सालों से यहीं कुछ कर रही है तो आगे भी 2-4 साल इसी तरह चलाएगी, तो उसमें भी सूबा बनाकर कोई चीज़ नहीं होगी, अलबत्ता नए मसाइल पैदा होंगे। तो उस वक्त कौम में आज अगर 20% लोग हमारे साथ हैं तो उस वक्त 80% होंगे, और एक ऐसा वक्त आएगा उस वक्त हम कुर्बानी का काल देंगे, और मैं अपने नौजवानों से अपने लोगों से उस वक्त के इंतज़ार का कहता हूँ। अच्छा, ये सूबा बनने के बाद या उबूरी सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्या आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं, इससे नुकसान क्या होंगे? गिलगित बल्तिस्तान को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा अगर बना देते हैं, दो मिनट के लिए, ये तो खैर वो Article 1 के तहत तो ये नहीं बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, मनुडा से हुंजा तक ये एक कौम होगी, तो उस वक्त जो है न ये
अपने स्पेशल स्टेटस की बात कर सकेंगे, ना अपने इलाहदा वजूद की बात कर सकेंगे, ना हम अपने इलाहदा जो है हैसियत की बात कर सकेंगे। और पाकिस्तान के अंदर ये जैसे कहते हैं ना आटे में नमक, आटे में नमक भी नहीं होगा। आटे में नमक हुआ तो फिर भी बहुत बड़ा जायका महसूस होता है कि कुछ लोग है कहकर, ये भी सूरत हाल नहीं हो। सूबा क्या सूबा बनाना है इन्होंने, अब वाकई में सूबा ही बनाना होता दो मिनट के लिए तो उसके लिए उसूल तय किए जाते हैं। जैसे चार सूबों के लिए उसूल है कि आबादी की बुनियाद पर नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी भले गिलगित से एक ही आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान दोनों से एक आदमी आ जाए, और सेनेट में जो है वो बराबरी की बुनियाद पर पंजाब सिंध सरहद और बलोचिस्तान के मुकाबले बराबरी की बुनियाद पर, ये तो नहीं है ना। इसको एक स्पेशल स्टेटस के तौर पर इस्लामाबाद तरस और फाटा तरस की तरह रखेंगे, और कश्मीर का मसला जब ठंडा होगा तो इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है केपीके है, उसी में डाल देंगे। मैं जो कश्मीरियों के साथ मिलकर काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कश्मीरियों के साथ बात बनाने की, तो लोग कहते हैं कश्मीरियों का एजेंट, ये कश्मीरियों का, मैं कश्मीर में मेरा क्या लेना देना है, कश्मीरियों के साथ कौन सी मेरी रिश्तेदारी, मैं नसलन कश्मीरी नहीं हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी अहले सुन्नत बरदरी के लोगों की भी कश्मीर में कोई दिलचस्पी हो सकती है, चूँकि सुनी ज़्यादा है यहाँ, चूँकि सुनी शेख की बुनियादों पर, वहाँ पर तो मेरा कोई अकीदे के लोग भी नहीं रहते। इसके बावजूद भी मैं कश्मीर के साथ इसलिए इसको लिंक चाहता हूँ कि कश्मीर की ज़्यादा आबादी और हमारा ज़्यादा रकबा दोनों मिलकर तौर पर कश्मीरियों से हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा लेकिन हमारी हैसियत बरकरार रहेगी। अब अगर यह सूरत हाल होगा तो गिलगित बल्तिस्तान जो है नेक्स्ट फ्रंटियर का हिस्सा है और कश्मीर जो है वो पंजाब का हिस्सा है। 3000 मुरबा मील में ना वहां कोई सूबा बनेगा, ना 15 लाख की आबादी का यहां कोई सूबा बनेगा, ना पाकिस्तान के अंदर 15 लाख आबादी और 3000 मुरबा मील के सूबे बनाने का कोई रिवाज है। यह रिवाज इंडिया में है, दुनिया के दूसरे मुल्क अफगानिस्तान के अंदर है, छोटे छोटे मुल्क जैसे इंडिया में जो है मणिपुर है, त्रिपुरा है, आगे चलकर ये नागालैंड और ये क्या कहते हैं ये सिक्किम है, आगे गोवा है, इस तरह की वो चीज़ें छोटे छोटे सूबे है। इसी तरह अफगानिस्तान में जाएंगे तो छोटे छोटे सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लेवल के। पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में सराय की सूबा नहीं बन सका, कराची नहीं बन सका, हज़ारा नहीं बन सका, अच्छा क्वेटा और ग्वादर को जो है बलोच पख्तून के बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सका, तो तुम्हारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए किसने आगे चलकर एक सूबा रखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ जब डेमोग्राफी हैवी पैमाने पर होगी तो फिर पता चलेगा। अभी तो थोड़े बहुत 200-400 पठान घर आबाद है तो इनको बड़ी परेशानी है 4-5 गुजरों से, आगे जो है पता भी नहीं चलेगा कि गिलगिती कोई कौम थी, शनाबुरुशिस की बल्ती जबान बोलने वाले लोग थे। जब ये सूरत हाल होगी तो इनको पता चल जाएगा सूबे क्या होते हैं। डेमोग्राफी पे आप बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी उस वक्त तब्दील हो गया बोरी आइनी सूबा बनने के बाद, क्या इस वक्त डेमोग्राफी पे काम नहीं हो रहा है, डेमोग्राफी तब्दील नहीं हो रही गिलगित बल्तिस्तान की? अभी चोरी छुपे हो रही है, इस वक्त जो है गैर ऐलानिया हो रही है। इस वक्त मुझ जैसा एक आदमी इस तरह की भी बातें भी करता है। सूबा बनने के बाद जो इंटरव्यू आज मैंने दिया है इस पर दफ़ा वो आर्टिकल 6 लग सकता है और आगे में हमारी ज़बान बंद हो सकती है। ठीक है, बहावलपुर का आदमी इस तरह बात कर सकता है, बलोच कर सकता है, बलोच भी तो इसी तरह की बातें करते हैं और उनको हेलीकॉप्टरों से जो गिराते हैं सब लोग देखते हैं, ये बातें कर सकता है। या केपीके का कोई आदमी स्वात वाला कर सकता है, या चतराली कर सकता है, आपके सामने कोस्तानी कर सकता है। ये आपकी स्पेशल स्टेटस ही है जिसने आपको गंदम की बोरियाँ और ये बातें और ये सारी चीज़ें कराने को जो है ना वो मौका दिया है। जब ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद देखना क्या होता है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी सियासी तौर पे बड़ा मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी पाई जाती है, इस हवाले से क्या देख रहे हैं और क्या उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान पे भी पड़ेंगे? जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पे तो पड़ना ही है। मैं तो इसके बारे में जो है वो बाद में खुल के बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैं ये कहूँगा कि खेल की तैयारी मुकम्मल है। ये जश्न बहारा का टूर्नामेंट है, ये शुरू ही मार्च में होता है, उससे पहले आगे नहीं होता, लेकिन मुतवक्को तौर पर इसका फाइनल साल के आखिर तक होगा। थैंक यू।